सरकार। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट के लिए हामी भर दी है, अपने चुनावी मैदान में वो यहां से उतरेंगे। कन्नौज को लेकर तमाम कंफ्यूजन खत्म करते हुए अखिलेश आज कन्नौज से पर्चा भरने जा रहे हैं। आज कन्नौज में नामांकन का सुपर गुरुवार है, क्योंकि बीजेपी से सुब्रत पाठक को तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश के नामांकन का दिन है। दोनों में आर पार की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज की सीट जिसमें पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे, सुब्रत पाठक की यहां से जीत हुई थी। हालांकि कन्नौज भी शुरू से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। 1999 से ही यहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला था। ऐसे में अब कन्नौज से ताल ठोकी अखिलेश यादव ने और अब समाजवादी पार्टी की जो कन्नौज इकाई है उनके अनुग्रह पर, उनके आग्रह पर अखिलेश यादव आज यहां से नामांकन दाखिल करने वाले। लगभग 1 बजे के आसपास ये नामांकन दाखिल किया जाएगा। कलेक्ट्रेट दफ्तर अखिलेश यादव पहुंचेंगे, वहां से नामांकन दाखिल करेंगे और इसी के साथ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच जश्न का माहौल है। और थोड़ी देर से स्टैंड बदल रही है, हार का डर उनके अंदर तक समा गया है और प्रदेश में कहीं से भी समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने वाला नहीं है। 0 सीटें आने वाली है। कन्नौज मैनपुरी सहित सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। उन्नाव में आज दो रहा है सर, क्या आपका? उन्नाव भी जा रहे हैं, शाहजहांपुर भी जा रहे हैं, कानपुर भी जाएंगे और बीजेपी जीत रही है। देखिए आज करेंगे नामांकन, 1 बजे नामांकन करेंगे और अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से वहाँ से जीतेंगे। और इसके साथ साथ आसपास के मैं भी बहुत अच्छा चलेगा और सब सीटें आसपास की सब जीतेंगे। देखिए सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है, कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है, एनडीए को पीडीए हराएगा। कि समाजवादी पार्टी अगर अखिलेश यादव कन्नौज से नहीं लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो समाजवादी पार्टी को बचाना है तो अखिलेश जी को आना ही पड़ेगा। और देखो हार जीत कुछ भी हो लेकिन कम से कम लड़ाई तो बराबर की हो। कन्नौज मैसेज देने जा रहा है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सांप्रदायिक आतंकवाद माफियाओं के समर्थक चेहरे को हराने का आरोप लगा रहे हैं। नहीं अच्छा है नहीं क्या? अभी बताओ अखिलेश यादव एक माफिया के घर, दुर्दांत माफिया जिसने न जाने कितनी बहनों के माथे से सिंदूर पोंछ दिया, न जाने कितनी माओं की कोख उजाड़ दी, न जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया और जो देश विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त रहा, उसके दरवाजे पर उसकी कब्र पर फातिया पढ़ने अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं, श्रद्धांजलि देने पहुंच जाते हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, ये लास्ट मोमेंट पे अखिलेश का मन बदलने की वजह क्या है और दूसरी तरफ एक प्रेशर भी क्या वो महसूस कर रहे हैं? तेज प्रताप को बार बार वो सामने करना चाह रहे हैं लेकिन वो कहां से लड़ाएं वो नहीं समझ पा रहे, इसलिए पहले उनके नाम का अनाउंस हुआ, बाद में कार्यकर्ताओं की शायद नाराजगी की वजह से उन्हें उतरना पड़ा। अभी तो देखिए यहाँ कई सारी थ्योरीज इस बात को लेकर हैं। पहले हालांकि पिछले एक साल से चर्चा बात की रही कि अखिलेश चुनाव लड़ेंगे लेकिन बाद में ये हुआ कि तेज प्रताप को आगे किया गया, लेकिन जब यहाँ की लोकल यूनिट ने स्ट्रेस किया इस बात पर, कहा कि आप ही को लड़ना चाहिए वरना जमीन कमजोर हो जाएगी, तब अखिलेश ने कहा ठीक है मैं ही यहाँ पर चुनाव लड़ूंगा और उसके बाद निर्णय लिया गया। मेरी मौजूदगी इस वक्त कन्नौज पार्टी ऑफिस में है और अगर आप देखें यहाँ का माहौल तो अखिलेश कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, नामांकन करेंगे और आप देखिए ढोल नगाड़े के साथ यहाँ जो है पार्टी कार्यकर्ता इस बात से उत्साहित है कि किस तरह से आप देखिए यहाँ पर ढोल है, इस बात से उत्साहित है कि अखिलेश यादव ने उनकी बात मान ली है और वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ये एक बड़ी बात कन्नौज के लिए है, कन्नौज को उम्मीद है कि तमाम कार्यकर्ता नेता भी यहाँ पर देखिए आपको मिलेंगे जो यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं, उनसे मैं बातचीत भी करने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर देखिए इनसे बात करूंगा मैं। कन्नौज के लिए कितना बड़ा दिन मानते हैं आप? फिर बोलिए कन्नौज के लिए कितना बड़ा दिन है अखिलेश यादव ने निर्णय लिया? देखिए कन्नौज में सिर्फ एक ही तरफ अखिलेश यादव का नाम चला है, पूरे देश के पैमाने पर आज जो है कि मीडिया से लेकर के सारे लोग जो है कि जनता जो है पूरे प्रदेश में इसका असर पड़ने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पार्टी का माहौल बना है, एक तरफ ढोल नगाड़े हैं, जो झंडे हैं वो भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। कहानी केवल इतनी है, थ्योरी केवल इतनी है,
सामने यही वो एरिया है जहां पर अभी रामगोपाल यादव भी थे, अखिलेश यादव के स्वागत के लिए भी यहां व्यवस्थाएं की गई हैं। लखनऊ से वो निकल चुके हैं, कुछ ही क्षणों में यहां पहुंचने वाले हैं। एक तरफ यहां उनको कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन बातचीत करेंगे तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। आप यहां पर देखिए तमाम लोग बैठे हैं, विचार विमर्श हो रहा है पार्टी द्वारा, किस तरह से ये देख सकते हैं वरिष्ठ नेता पार्टी के तमाम यहाँ पर ठीक है, यानी कि तैयारियां पूरी तौर से की जा रही हैं क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की कमान संभालते हुए अब कन्नौज से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जाहिर तौर पर ये मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है, आर पार की जंग यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन इस बीच कन्नौज वो सीट रही है समर्थ, जहां से उनके पिता उनकी पत्नी दोनों ही चुनाव लड़ चुके हैं और जाहिर तौर पर यहां पर नाक और साख दोनों की बात थी। अगर ये चुनाव कन्नौज से समाजवादी पार्टी हार जाती तो जाहिर तौर पर पार्टी पर बहुत बड़ी चोट और डेंट होता और यही वजह है कि उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी और अपने भतीजे पर नहीं उम्मीद भरोसा जताया। ये बात बिल्कुल सही है, जिस तरह से ग्राउंड से रिपोर्टिंग आज तक ने भी की, बात सामने आई कि तेज प्रताप को कई लोग यहां पर नहीं जानते थे क्योंकि तेज प्रताप जरूर मैनपुरी सांसद रहे लेकिन उनका जो वर्चस्व है वो वहीं तक सीमित है। कन्नौज के लिए तेज प्रताप एक नया चेहरा होते, अखिलेश को लगा कि शायद ये रिस्क इस समय लेना गलत होगा, जरूर वो नेता प्रतिपक्ष है उनको वो चीज छोड़ना पड़ेगा, लेकिन शायद 6 महीने में एक बार फिर उपचुनाव हो और अखिलेश वापस नेता प्रतिपक्ष चले जाए, ये कुछ प्लानिंग पार्टी के अंदर खाने में चल रही है। लेकिन फिलहाल ये तय इसलिए हुआ है क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए कन्नौज एक बड़ी सीट है। देखिए मैनपुरी से डिंपल यादव है, यहां से अखिलेश है, धर्मेंद्र आजमगढ़ से है, तो सैफई परिवार कुल 5 सीटों पर उतरा हुआ है। लेकिन जो अखिलेश के बाद जो माहौल है क्योंकि जो लोकल यूनिट यहाँ थी कार्यकर्ताओं में निराशा हो गई थी, अब अगर आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ स्वागत के लिए सब हैं, महिलाएं भी हैं। आप लोग बताइए मुझे कि अखिलेश यादव के यहाँ पर आने से कितना बदलाव देखेंगे, पहले तेज प्रताप का नाम चल रहा साइड बराबर खड़े हैं, फिर से बोलो समझ नहीं पाए। तेज प्रताप का नाम पहले चल रहा था, अब अखिलेश का नाम आया है, तो इससे क्या कुछ बेहतरी हुई है? अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने से यहाँ का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ये कह रहे हैं कि इसी का इंतजार था, वो तो खुद ही चाहते थे कि अखिलेश यहाँ पर उम्मीदवार बने ताकि चुनाव मजेदार हो जाए। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट की है, इतिहास दोहराया जाएगा ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। उनके ठीक बगल में अमर सिंह दिखाई दे रहे हैं, उनके चाचा और तमाम वो दिग्गज नेता जो एक वक्त पर समाजवादी पार्टी में वर्चस्व रखते थे। तो आखिरकार नाना करते अखिलेश कन्नौज से ही अब चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का मैनपुरी के बाद ये गढ़ माना जाता है कन्नौज, ये पूरा वो इलाका जो समाजवादी पार्टी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण इलाके के तौर पर, चाहे वो मैनपुरी हो, एटा, इटावा, कन्नौज, ये तमाम वो सीटें जो समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम है।